मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुमरा के सम्राट नगर में दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। ये पूरा विवाद बुद्ध विहार की जगह पर अवैध रूप से कब्जा करके रूम बनाने का आरोप और पानी कनेक्शन खुद का लेने की वजह से हुई है। ये मारपीट एक पक्ष में आबा कदम, सुखदेव सालवी, ये दो लोग हैं और दूसरे तरफ के पक्ष में जो लोग हैं उनके नाम हैं अंकुश हाटकर, लव हाटकर, विनायक हाटकर। इन दोनों पक्षों के बीच में 3 फरवरी की देर रात में ये विवाद हुआ है। वीडियो में मारपीट करते हुए दोनों तरफ के लोग दिखाई दे रहे हैं और कुछ महिलाएं भी हैं इसमें जो मारपीट भी कर रही हैं और कुछ महिलाएं बचाव करते हुए भी नज़र आ रही हैं। इस मारपीट में आबा कदम को काफ़ी मार लगी है, सर में कई टांके लगे हैं और इसी तरह से सुखदेव सालवी के चेहरे पर भी चोट लगी है। आबा कदम ने आरोप लगाते हुए बताया है कि बुद्ध विहार की जगह पर अवैध रूप से कब्जा करके अंकुश हाटकर, लव हाटकर, विनायक हाटकर इन लोगों ने रूम बना लिया है, जबकि ये बुद्ध विहार की जगह है। 3 फरवरी को जब रात में उन लोगों से पूछा गया कि यहाँ रूम क्यों बनाए, तो इन लोगों ने मारपीट करना शुरू कर दिया और इन लोगों ने लोहे की रॉड से हमला किया, जिसमें आबा कदम पूरी तरह से घायल हो गए हैं। साथ ही सुखदेव सालवी के चेहरे पर भी चोट लगी है। साथ ही आबा कदम ने यह भी बताया कि पानी जो पहले लेते थे वो 500 रुपया महीना देकर इन्हीं लोगों से लिया करते थे, मगर जब से इन्होंने मनपा का कनेक्शन लिया है पानी का, तब से ये लोग खुन्नस में आकर पानी कनेक्शन लेने की वजह से आए दिन इनसे झगड़े करते रहते हैं। हालांकि जिस जगह को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, मारपीट हुई है, वहां पर ये रूम बना हुआ है और इसी रूम का लोग विरोध कर रहे हैं। रूम की खिड़कियों पर लगे कांच भी तोड़ा गया है। ये किसने तोड़ा है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि एक पक्ष तोड़ने से इनकार कर रहा है और दूसरे पक्ष पर आरोप लगा रहा है। इस अवैध निर्माण के खिलाफ मनपा में भी शिकायत इन लोगों ने करने की बात कही है कि इसे तोड़ा जाए, ये मनपा में शिकायत करेंगे। इस मारपीट के पूरे मामले को लेकर आबा कदम ने मुमरा पुलिस स्टेशन में FIR अंकुश हाटकर, लव हाटकर, विनायक हाटकर के खिलाफ 324, 323, 504, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कराया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आबा कदम और सुखदेव सालवी ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुना दें। क्या नाम है आपका? सूर्यकांत विनायक कदम। अच्छा, यहाँ पर सम्राट नगर में आप रहते हैं, किसके साथ मारपीट हुई है और क्या वजह थी जो ये मारपीट की घटना सामने आई, वजह क्या रही? देखो, मारपीट तो लव हाटकर, गौतम अपना अंकुश हाटकर और विनायक हाटकर, ये तीनों ने मिलकर मारा है और भी लेडीज भी थी उनके साथ में, घर का पूरा परिवार था। क्यों मारा, वजह क्या थी? मैं जब शिरडी से आया था, तभी शिरडी जब गया हुआ था मैं, तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब शिरडी से मैं लौटा हूँ वापस, तो मैंने रात को खाली उनको आके पूछा हूँ कि भाई क्या हुआ इधर, क्या ये बुद्ध विहार बनने वाला था, क्या है दो बस बीड़ी पीते उन लोग खड़े थे उधर। अच्छा, ये जो पीछे आपके दिखाई दे रहा है, मेरे पीछे जो खड़ा है वो रूम बना है, ये बुद्ध विहार की जगह है। अच्छा, मैंने किसने बनाया ये? ये उन लोग ने ही बनाया है। उन लोग मतलब कौन? अंकुश हाटकर, गौतम हाटकर। तो इसकी वजह से विवाद हुआ है? हाँ, इसकी वजह से विवाद हुआ। मैंने खाली जस्ट पूछा हूँ इसको ऐसे क्यों बांधा गया है, ये जस्ट पूछा, वैसे ही कटोनी निकाले। तो अभी ये घर में भी दिखाई दे रहा है, सब जंगले तोड़ फोड़ हो गई है, ये किसने तोड़ा? ये उन लोगों ने खुद नहीं तोड़ के गया है, कांच वाच कंप्लीट करने के लिए हमारे को। तो आप लोगों को कितने लोगों को चोट लगी है? अभी 2 जन को लगी है। उसकी वाइफ को भी लगी है ना, वीडियो में उसकी वाइफ दिख रही है, गिर गई है नीचे। आपका क्या नाम है? कितने साल है? आपको भी मार लगी थी? हाँ, हम लोग शिरडी से आए थे ना, तो वो लोग खड़े थे यहाँ पे, तो इसने खाली पूछ लिया, क्या पहले तो मैदान था यहाँ पे, तो बोले 8 दिन में कैसा बन गया है, तो आते बराबर मारना चालू कर दिया, तो मैं और ये थे, तो हम लोगों ने बचाने में मुझे भी लग गया, इसको बहुत मार रहे थे, सब घर मिल के मार रहा था। अच्छा, बताया जा रहा है कि ये जो है पहले यहाँ पर खाली जगह पड़ी हुई थी, इसके पहले बिल्डिंग थी, मामला कोर्ट में भी गया था और शायद बुद्ध विहार के नाम पे यहाँ पर जगह ये थी और इसे कुछ निधि भी इसके पास हुई थी। तो पीछे का जो हिस्सा बना हुआ है वो क्या है और इसके आगे जो बनाया गया है ये पूरा पूरा मिलके ये बुद्ध विहार ही है पूरा। पहला वो पहला बांधा गया है, ये अभी जस्ट बांधा गया है एक हफ्ते पहले।
बस ये पूरी बुद्ध विहार की जगह है। तो मतलब कब्जा कब्जा कर लिए घर वाले बुद्ध विहार है क्या, किस जगह से बुद्ध विहार दिख रहा है ये मेरे को बताओ। तो अभी और आपके समाज के लोग कहाँ पर है, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे क्या? एट्रोसिटी का केस का नाम लेके घरा डालते पब्लिक को, कोई आता नहीं है। एट्रोसिटी डाल देंगे तुम्हारे ऊपर, ये कर देंगे वो कर देंगे। पुलिस से कंप्लेन वगैरह कुछ आपने किया है? कंप्लेंट तो किया था पहले भी। अभी आज ये मारपीट की घटना होने के बाद जो है किया आपने कंप्लेंट, क्या पुलिस ने क्या लिया है कंप्लेंट? एक्शन लिया है अभी, बोलते दो दिन रुको। एफआईआर में क्या लिया है? एफआईआर आने तो सर्टिफिकेट बाकी है। एफआईआर दर्ज किया या नहीं? एफआईआर दर्ज किया है। टाके हो गए कितना लगे? 16 टाके आए शायद से। और नाक फ्रैक्चर है? नाक फ्रैक्चर है, नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। 24 लगा है, 24 तो 307 लगना चाहिए। वो बताना पहले से 10। तो अभी आप लोगों के ऊपर से आप लोगों की मांग क्या है इसको लेकर? ये मुझे आने नहीं देते वो लोग जी। इसकी मांग लेकर क्या है आप लोगों की, जैसे आप बता रहे हैं बुद्ध विहार की जगह है, तोड़ दो बोलना उनको, बुद्ध विहार जैसा बनता है वैसा बनाओ बोलना। तो कंप्लेंट वगैरह कुछ किए अपने मनपा में इसको लेकर? जाएंगे उधर ही जाएंगे आज। और उनके घर वाले का सिवा कोई जाता नहीं, आता नहीं? हाँ बस कोई आता नहीं, बुद्ध विहार क्या हुआ? सब उनके घर वाले रहेंगे उधर, कपड़े सुखाते अंदर, दारू वाली के नहीं मौजूद जाने डरते वहाँ जाने उठा। अच्छा पानी को लेकर क्या विवाद चल रही है? पानी का जो है, पानी का मसला, मैंने अभी पानी की लाइन लिया हुआ है, उस वजह से भी उनको खटक रहा था थोड़ा, कि उनका 500 रुपया बंद हो गया है, भाड़ा खाना बंद हो गया है उनका। मतलब पानी हमसे भरो? हाँ पानी हमसे भरो, करके प्राइवेट मत लो, ये भी मसला चालू था। अभी उन लोग का भी पानी एक दो दिन आड़ करके दे रहे थे, ऐसा पानी पूर्ण थोड़ी वाला है। तो आप लोगों ने कनेक्शन ले लिया? अभी मैंने मेरा खुद का कनेक्शन लिया है, तो वो उनको बात खटक रही है, तो मसला चालू है इतने दिन से। और मैंने रूम दी हूँ भाड़े से, भाड़े से रूम दी, मेरी बहन भाड़े से रह रही मेरे सामने, ये मालिक है घर के, उनको बोल रहे रूम खाली कराओ उनका, क्यों खाली कराएंगे? नाता के पुलिस वाले वो साहब जिसके पास मैं गई थी, वो साहब ने बोले किसका दम नहीं है रूम खाली कराने का। और मेरे भी उनके पीछे पड़ा है, वो जात वाले को लेके आए थे, जात वाले के सामने भी हम लोग का एक वहाँ हुआ मीटिंग, तो जात वाले भी उसका बोला कि ये अपना बाबा जी अम्बेडकर का संविधान है कि तुम किसको खाली नहीं करा सकते, जो जहाँ है वहीं रहेगा। चैप्टर लगा दिया हमारे ऊपर, हम लोग के अर्जी भी डाले, कम्प्लेन भी डाले। अभी उन लोग उसमें किसी को पुलिस ने पकड़ा या नहीं? अभी तक तो पकड़ा नहीं है, अभी तक फरार है हम लोग। भाई क्या नाम है आपका? हुसैन। हुसैन भाई, ये जो आप विवाद हुआ है ये किस जगह हुआ है और क्या कारण से हुआ है? 4 महीने हो गए, फर्स्ट तो इन लोगों को पानी की तकलीफ थी, 4-5 में 2 दिनार 1 दिनार पानी देता था, 500 रुपीज़ चार्ज करता था पानी देने का, मतलब भाड़ा लिया जाता, भाड़ा लेता था पानी का। जब वो इन लोगों ने पर्सनल लाइन लिया, उस दिन से जो इन लोगों का विवाद चालू है, 4 से 5 महीना हो गया है, इन लोगों के खिलाफ एक अर्जी डाला है हमने। हाँ। उसके अलावा चार एनसीए, चार एनसी किया है, कोई कार्रवाई नहीं। ये मेरी वाइफ, ये मेरा साला है सूर्यकांत जो है, ये कदम, ये मेरा साला है, ये लोग इतनी बार चौकी गए वहाँ पे, कोई कार्रवाई नहीं ना कोई पुलिस, बट ये लोग जब जाते हैं ना फट से इनके साथ 2 पुलिस आ जाती है। मतलब आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, जीरो, कोई नहीं, कोई इवन इन लोगों ने मेरे पे आरोप लगा के चैप्टर लगाया मुझ पे। हाँ। और सबके सामने इन लोगों ने बोला कि मैं आ नहीं सकता यहाँ पे, वो दिन है और आज का दिन है, मैं यहाँ पे आया नहीं। क्यों नहीं आ सकते? उसने मेरे पे चैप्टर लगा के वहाँ पे बोला कि ये बॉम्बे कॉलोनी से गुंडे लेके आता है, हालांकि उसके यहाँ पे कैमरा लगा हुआ, वहाँ चेक कर सकते हैं, मैं हूँ, मेरा साला है और वाइफ, यही लोग आते हैं, हम वही साले के साथ। आपने कहा कि मारपीट हुई तो पानी को लेकर ही विवाद? पानी वही टसन, ये सिरडी से आया है, 5-6 बजे आया है। हाँ। 8 बजे इसको, 9-10 बजे इसको मारे, 11-12 मतलब उसको वेट ही कर रहे थे लोग। हाँ। 5 इतनी एनसी हो गई है, उन लोगों के खिलाफ एक अर्जी गई है। हाँ। वो लोग इसका वेट कर रहे थे, 8 दिन या 11 दिन बाद आया ये, उन लोग इसका वेट कर रहे थे, ये आएगा तो मारेंगे, वो आया और उन लोगों ने उसी दिन रात को मारा। अच्छा ये जो खाली जमीन पड़ी है, पड़ी ये तो ये उनकी दादा के लिए समझो, ये एक मैटर अलग होता है, ये मैटर अलग है, ये मारा हुआ मैटर अलग है। इन लोगों ने दादागिरी करके यहाँ बनाया, आप देख सकते हो बुद्ध विहार की जगह पीछे है, आगे की कोई भी यहाँ पे जो फंक्शन होता है, बर्थडे पार्टी या शादी, उन लोगों के लिए समाज मंदिर है, मतलब हर किसी के लिए, कोई भी अपना जो भी पार्टी वगैरह, जो शादी का कुछ भी बर्थडे करना हो तो यहाँ कर सकते, कोई भी छोटा आयोजन करने के लिए
कर सकता है। तो इन लोगों ने अभी ये यहाँ के लोग उससे इतना डरते हैं कि उसको बोले नहीं, क्योंकि एट्रोसिटी की डर वो शेड्यूल कास्ट का फुल फायदा उठाता है। अच्छा, अपना शेड्यूल कास्ट होने का वो इतना फायदा उठाता है, यहाँ पे जितने लोग हैं सब डरते उससे। क्यों? वो हमको केस पे आधे से ज्यादा लोगों पे उसने केस करके रखा है, सबको अटका के रखा है। एट्रोसिटी की धमकी देता है, लोकल नगर सेवकों की धमकी देता है, कोई उसके डर से उसके पास बोलने नहीं जाता है। जबकि मालूम है उसका पानी का कनेक्शन, आप चेक कर लोगे पानी का कनेक्शन चोरी का है, दो दो तीन तीन पीछे मोटर लगी है, ऊपर पानी बेचता है, ऊपर देख लो मीटर भी उसके घर में नहीं है, एक मीटर पे दो रूम चलाता है, एक मीटर पे दो दो तीन तीन रूम चलाता है। ये गुंडागर्दी हो गई, ये बुद्ध विहार के नाम पे जगह ये करा उसने, ये गुंडागर्दी हो गई। अच्छा, उनके खिलाफ मतलब कोई कार्रवाई पे ये जो घर बनाया गया इसके खिलाफ आपने अर्जी वर्जी दी है मनपा में? अभी तक तो नहीं दी है। अच्छा, हम हमारी मैटर से बाहर नहीं आ रहे, ये कब देंगे? ये सब लोग परेशान हो गए करके आज इतने सारे लोग उठ के आए, ये लोग इतना इसको मारने के बाद। मुंब्रा पुलिस स्टेशन भी गए थे, मुंब्रा पुलिस वाले ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? उन लोगों ने तो पहले देखो इतना सॉफ्ट कलम लगाया है, 324 आई थिंक, इतना अगर उसको रॉड से मारा गया है उसकी नाक की हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गई। हाँ, माथे पे अगर छह टाके माथे पे आए, नाक की हड्डी टूट गई, आप देख सकते हो जो मोटा रॉड है उससे दो बार इसको मारा, बाकी पूरे घर वालों के हाथ में बाम्बू थे, सब ने मारा, आप वीडियो में देख लो सब ने मारा इसको। उसके बाद भी इन पे कार्रवाई अभी तक नहीं, माँ आ रही है जो फरार है, माँ आ रही है, बाप आ रहा है, औरत आ रहे, कपड़े जा रहे, खाना जा रहा है, आना जाना हो रहा है, बट अटक किसी को नहीं हो रहा अभी तक, अरेस्ट नहीं किया, अरेस्ट किसी को नहीं किया अभी तक।